दिनों से गुना शहर के नागरिक विद्युत व्यवस्था खराब होने के चलते परेशान हैं। वहीं कई घंटे तक कल देर शाम भी लाइट नहीं होने से लोग खासे परेशान रहे एवं चोरियों का अंदेशा भी बढ़ गया था। इसके बाद आज सुबह भी 2-3 बार बिजली की आंख में चोली चलती रही, जिसके बाद लोगों को लगा कि शायद कटौती फिर से शुरू कर दी गई है। लेकिन इस बारे में जानने के लिए हमने मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी से बात की तो पता लगा कि किस तरह से कोई विद्युत कटौती शहर में नहीं की जा रही, बल्कि कल शाम को अचानक तकनीकी खराबी हो जाने के चलते विद्युत व्यवस्था कई घंटों तक बंद रही। लेकिन विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा रात के समय ही उसको दुरुस्त कर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से शुरू कर दिया गया था। हाँ, ट्रांसफार्मर को कोई भी हानि नहीं हो इसके लिए और लगाया गया मशीन लगाया। जैसे कोई भी व्यक्ति यदि चेक करके आप काम कर रहे हैं, लाइन गई हुई है खुली हुई है, कोई भी यदि टच भी होगा, मान लीजिए आप कोई काम कर रहा है कुछ टच कर दिया तो ये तुरंत बंद हो जाती है। ऑटोमेटिक इसलिए बंद हो जाती है जिससे कि ये हमारा किसी को करंट नहीं लगे, किसी जन हानि नहीं हुई। तो हमारा कल रात्रि में सिस्टम को रात में भी द्वितीय सप्लाई से बहाल किया, मतलब इसको डायरेक्ट करके प्रोटेक्टर हटा के सुरक्षा को हटा के भी सप्लाई को बहाल किया गया। फिर दिन में आज बिजली विभाग की तरफ से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। हम लोग जनसेवा के लिए पूरी विद्युत विभाग की टीम 2400 घंटे तत्पर है। हमारी तीनों टीमें हर गैंग पे 3 टीम तैनात है जो कि 2400 घंटे अधिकारी भी आवश्यकतानुसार अधिकारी भी कल रात्रि में भी डिस्टर्बेंस होने पर समस्त अधिकारी कर्मचारी 15 लोग उपस्थित हो गए थे और उन्होंने रात्रि में ही विद्युत व्यवस्था को बहाल कर दिया। और दिन में आज चूँकि रात्रि में कार्य करना थोड़ा दुष्कर कार्य होता है तो रात्रि में विद्युत बहाल करने के बाद आज दिन में पूरे मशीन को दुरुस्त कर दिया गया और विद्युत प्रदाय निश्चित कर दिया गया। कंपनी की ओर से कोई प्लान रखा हो कि इतने घंटे आपको कटौती करनी? नहीं, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा रही है। अचानक का कोई आदेश नहीं है, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जा रही है। मशीन में तकनीकी खराबी आने के कारण विद्युत बंद हुई थी जिसको कि सुधार कार्य कर चालू कर दिया गया।